दिल्ली NCR के प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस दौरान एक अहम फैसला वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग पर छोड़ा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को एक हफ्ते के भीतर निर्माण गतिविधियों और औद्योगिक गतिविधियों पर प्रतिबंध हटाने का निर्णय लेने की छूट दे दी है। दिल्ली NCR में प्रदूषण को लेकर अहम आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्माण कार्य उद्योगों और अन्य इकाइयों के मुद्दे की जांच करने और उन पर CAQM यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन दिल्ली NCR एंड एडवाइजिंग एरियाज विचार करें और जहां जरूरत हो वहां बैन से छूट दी जाए। आयोग एक सप्ताह में इस पर फैसला ले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ राज्यों द्वारा निर्माण मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। हम राज्यों को पहले के आदेश का पालन करने और अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य याचिका और दो आवेदनों को अपने पास लंबित रखा है, जिस पर बाद में सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना की अगुवाई में 3-सदस्य पीठ प्रदूषण मामले की सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने कहा कि स्थितियां ठीक हुई है, लेकिन दिल्ली NCR के मद्देनजर मामले पर सुनवाई होनी चाहिए ताकि समस्या का हल निकल सके। वही केंद्र सरकार पिछले हफ्ते राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में जारी वायु प्रदूषण को लेकर टास्क फोर्स का गठन कर चुकी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर इसकी जानकारी भी दी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया कि सरकार की तरफ से प्रदूषण से निपटने के लिए इन्फोर्समेंट टास्क फोर्स और फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया गया है। इस टास्क फोर्स में 5 सदस्य शामिल किए गए हैं और इन्हें विधायी शक्तियां भी दी गई हैं। टास्क फोर्स के पास सजा देने और प्रिवेंटिव विधायी शक्तियां भी शामिल हैं। वहीं CJI ने कहा है कि प्रदूषण के मामले में कमीशन को जिम्मेदारी दी गई है। इस मामले में अब कोर्ट कोई आदेश नहीं देगा और किसी हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा। नवद टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।